वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैंने ये सब चिकन मसाला वसाला और ग्राइंडर व्राइंडर मैंने सब कुछ ले लिया है। इतना शोर शराबा है ना, ऐसा गली में बैठ के ना इतना पछताता है ना, कब अच्छा रूम लेगा, कब अच्छा गली में बैठे जाओ। तो ना भीड़ भाड़ भाई साहब। जैन के लिए मैं चिकन लेने गई थी गाइस, आज कुछ स्पेशल बना के खिलाऊंगी क्योंकि उसने भी मेरे लिए बहुत किया है। तो मैं तो उसको हमेशा बोलती हूँ खा ले, बस वही बाहर खुद ले जाता है, इससे मेरी गलती नहीं है। पागल होने वाली हूँ। ये मेरा हाथ देखी ना, आया उसके बाद में ना मैंने ये छील लिया है, एक दो तो ये मैंने लिया है कि 300 बोल रहा था, 220 से लिया, 220। ये खाना अब मैं ना एक छोटा सा वो देखूंगी बाद में ना, टेबल कल परसों हाथ में पैसा आने से। हाया क्या क्या करना पड़ता है गाइस, अकेला होने से यही तकलीफ होता है, अकेला जाओ अकेला आओ अकेला सामान। तो अभी मैं जाऊंगी दही लेने और ठंडा पानी, क्योंकि मेरे पास मेरे घर में फ्रिज नहीं, खरीद खरीद के पीना पड़ता है, इतने सारे बोतल जमा हो गए मेरे रूम में। और जैन थोड़ी देर में आने वाला है, इसलिए मैं फटाफट अभी मैं बनाने स्टार्ट कर देती हूँ। सो गाइस रेडी हूँ, अब बनाऊंगी मैं। मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना। अब मैं बनाऊंगी खाना। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सब मसाला मिक्स कर दिया है, गार्लिक जिंजर पेस्ट एंड उसके बाद दही वगैरह, जितना भी काली मिर्च पाउडर, चिकन मसाला सब कुछ मैंने, धनिया पाउडर सब कुछ, और क्या बोलते हैं लाल मिर्च पाउडर या वो सब मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर रख दूंगी, देन इसके बाद मैं दाल बैठाऊंगी, उसके चावल बैठाऊंगी, फिर इसको पका के दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत गर्मी है ना गाइस, इसलिए मैंने अभी पोछा मारा है और इसमें पानी भर दिया है, और अभी सूखने के लिए छोड़ दिया है मैंने फ्लोर को। और ये है मेरा गंदा सा किचन, लम्बे सी हो गया। मैं दाल वाल खाना वाना सब पका दिया है, अब मैं डालूंगी इसमें छेल। ये मैंने इसमें पेस्ट बना दिया है, और ये है दाल, दाल भी मैंने टेस्टी से बनाया, ये मैरिनेट किया वाला। और अभी मैंने इसमें तेल बिठाया है, तो ये गर्म होने के बाद मैं डालूंगी प्याज। अभी मैं ब्राउन आने तक की छोड़ दूंगी। पसीना देख रही होगा इस पूरा मेरा ये चेहरा जो चमक रहा है, ये सब पसीना का खमाव है। इतनी गर्मी में मुझे ऐसा खाना बनाना पड़ता है, अच्छा वाइफ बनूंगी मैं अभी। मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल लिया है, और ये हो चुका है फ्राई, देन मैं ढालूंगी अभी ये चिकन। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गाइस। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। गाइस अब मैंने ये तकलीफ है यार, अब ये पेस्ट को मैं डाल दूंगी गाइस।
बॉक्स को मिला देती हूँ। बहुत तकलीफ है एक हाथ से पकड़ के शूट करना और एक हाथ से बनाना खाना सब्जी। फ्लेम हाई कर देती हूँ थोड़ा सा। अब इसको मैं छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। गाइस वो जो टमाटर का जो मैंने पेस्ट डाला था उसमें गार्लिक, उसके बाद में हरी मिर्च दो टू डाला था मैंने, उसके बाद में टमाटर दो डाला था मैंने पेस्ट में, तो बोलना भूल गई थी। और अभी थोड़ा हवा ले रही हूँ सब्जी थोड़ा सा पकने तक। तो अभी देखती हूँ गाइस। वाह अभी तेल जो ये ना मसाला पक गया, इसका मतलब जब तेल ऊपर आ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि मसाला पक चुका है। तो अभी मैं सलाद बनाऊंगी। गर्मी के टाइम को कुकुम्बर खाने का मजा ही कुछ और है खाना के साथ। तो मेरा दाल पक गया है गाइस, दाल पक गया, खाना पक गया, सब्जी पक गया। अभी बस उसमें मैं धनिया मुझे एक करना है, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश अप हो जाती हूँ। किलो ला तो बोल बोल खाता था बस, लंबा 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 काट दिया छोड़ो। आप लोग कौन कौन ऐसा करते थे, मीठा किता जा मीठा किता जा मीठा किता जा, मतलब ऐसे करने से ना पहले में मतलब ऐसे करने से उसका जो तीता जो निकल जाता है, मतलब ऐसा पता नहीं है। अंधविश्वास की लाइफ जी रही थी मैं बचपन में और अभी भी अंधविश्वास के लाइफ में जी रही हूँ, ऐसे ही चल रहा है मेरा जिंदगी। स्टाइल में काट देगा ना, क्या गोल गोल काटने दे रहे, ऐसे ऐसे काट देगा स्ट्रेट स्ट्रेट। और उसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, अभी नहीं डालेगा नमक, जब वो लोग आएगा तब डालियो, क्योंकि अभी डालेगा ना तो अभी डालने लगे और पूरा वो हो जाएगा, नरम हो जाएगा, नमक का पानी निकल जाएगा। सब्जी हो चुका है, वाह 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 हो गया। और दाल चावल ककुम्बर सलाद। सो गाइस फाइनली डन, और मैं बहुत देर से उसका वेट कर रही हूँ, मैंने भी कुछ भी नहीं खाया, साथ में खाएगा बोल के मैं रुक रही हूँ। तो दिखा क्या देखो, हम इतना प्यार से खाना बनाया है। जैन हमको क्यों लग रहा है मेरा रूम अलग से थोड़ा सा थोड़ा गर्म है, भूख करके एक हीट आता है बाहर से अंदर आने के बाद ना। मशीनों को टिकला की 350 रुपए 450 रुपए वाली थाली है ये।
मटन थाली। पर उससे ज्यादा बेस्ट है रिया खाना अच्छा बनाती है। खत्म हो गया, किसका बचा? स्पाइसी नहीं खाते रात को, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है पूरा खत्म हो गया भाई, बहुत भूख लग रही थी। थैंक यू। चम्मच से खाते रे, चम्मच से तो कैसे खा ले सकते हैं, हम तो नहीं सकते। मैं चम्मच से खा भी वो तो आती है, इंसान को आती है खाने के बाद। कौन ऐसे बनाए बताओ तो? और कौन बना? मेरी माँ। मैं इसको बोलती हूँ खाना बना के रखो खाने। यार नहीं, बाहर में वो क्या क्या रोल सोल ये सब खा के चुन चुन खा के ऐसे नहीं। हम इसको बोलते सिंपल से घर में बना दे, घर पे रहेगी तो खाना खा लेगा इंसान, तू तो बाहर घूमती रहती है। कब बाहर घूमेगा? मेरे पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, आजकल मैं इसके साथ नहीं घूम रहा, उसको मना कर रहा हूँ। मैं नहीं आ रहा, मेरी आ रहा, इतना बोला खाना बना रखा है, मैंने बोला आ रहा हूँ। सो गाइस, हम लोग ने खाना पीना खा लिया है और मेरा पेट पूरा फुल हो चुका है। वो मंसूर अंदर दिखाई भी नहीं दे रहा, अंधेरा हुआ काम कर रहा है, उसका दुनिया भर का उसका ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज
का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, और मैं ऐसे ही हमेशा वीडियो डालती रहूंगी, कंटिन्यू करती रहूंगी, और आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो बाय बाय, लव यू, सिम चैंग नैंगो। देन बोल दे एक बार। शिक्षा दिख भी नहीं रहा।